आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं आज नीमच के दशहरा मैदान में आयोजित, जो कि कई दिनों से जिसकी तैयारियां चल रही थी, श्री राम कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। आज प्रथम दिन है और आज ही नीमच में दीदी माँ साध्वी रत्नभरा जी का आगमन हुआ और जिनके आगमन पर आज इस कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई है। शहर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने शामिल होकर कलश धारण कर इस कलश यात्रा में वे शामिल हुई और साथ ही नीमच आगमन पर दीदी माँ साध्वी रत्नभरा जी ने क्या कुछ बोला है, उन्होंने क्या खुशी जाहिर की है मीडिया के सामने और उन्होंने क्या कुछ बताया है कि नीमच से उनका किस तरह का संबंध है, इन सभी को लेकर जब वे मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको वो सुनवाते हैं। नीमच की धरती प्यार से भरी है, वत्सलता से भरी है और संस्कृति धर्म के प्रति निष्ठा से भरी है। आज इसका दृश्य पूरे नीमच की गलियों ने, बाजारों ने, अट्टालिकाओं ने, धरती आसमान ने देखा। किस तरह की भेष में कलश सिर पे धारण करके जब शोभा यात्रा निकली, ऐसे लगा जैसे श्रद्धा का सागर उमड़ कर आ गया है। आज श्री राम कथा का प्रारंभ हो रहा है। राम जीवन की मर्यादा हैं, जीवन का उत्सार उमंग भी हैं और उनका चिंतन जीवन के लक्ष्य को भी निश्चित करता है। वो जन्म और मृत्यु के पार का सत्य हैं और जीवन की मर्यादा को स्थापित करते हैं। मैं राम कथा कहूँगी, भावपूर्ण हृदयों के बीच में बैठकर कथा करना बहुत आनंद देता है और नीमच के साथ मेरा बहुत आत्मीयता का संबंध है। शायद ही मैं कहीं इतनी बार कहीं गई होंगी जितनी बार मैं नीमच आ गई हूँ, तो यहाँ के भक्तों का प्यार है, स्नेह है और मैं बहुत गदगद हूँ आज की शोभा यात्रा का दृश्य देख। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि रामलला मंदिर में बैठेंगे। 500 साल का संघर्ष हमारा पूर्ण हुआ, संकल्प सिद्धि के द्वार तक पहुंचा दिया है। संकल्प में भारी बल होता है और हिंदू जाति कभी पराजित नहीं होती, परेशान तो होती है पर पराजित नहीं होती। हमने अपने रामलला को भव्य मंदिर में स्थापित करने का संकल्प पूरा किया है। ये श्री राम जी की कृपा है, उनकी ही कृपा का अनुभव करते हुए हम भारत को उत्कर्ष की ओर ले चलेंगे। नीमच वासी महसूस कर रहे हैं कि आपका आगमन पर जो कलश यात्रा निकली वो ऐतिहासिक रही। 7 दिन नीमच वासियों को आपके उससे और क्या क्या आपको भार मिलेगा? कथा का प्रारंभ भी इतना सफल है तो आप विचार कीजिए, कलश यात्रा ने श्रद्धा को आसमान तक पहुँचाया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके माध्यम से नीमच वासियों को और आसपास से जो भी गांव से श्रद्धालु आए हैं उनको और समिति को, वात्सल्य समिति को, अग्रवाल समाज को, जितने भी संगठन इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद दें।